सिटी चैनल कानून का सम्मान करता है। जब तक किसी पर भी अपराध साबित नहीं होता तब तक उसे दोषी करार देना हमारी नजरों में ना तो पहले सही था और ना ही आज सही है। तहकीकात में आज हम आपके सामने जो कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं उसका मकसद किसी की छवि खराब करना नहीं है बल्कि एक कोशिश है सच दिखाने की। हम साफ कर दें कि हमारी मंशा ना तो पुलिस की जांच पर बाधा डालना है और ना ही जांच को प्रभावित करना है। फिर भी इस कार्यक्रम से सबको अपनी राय रखने का अधिकार है। इस खुले मंच में आप अपनी बात रख सकते हैं जिसका सिटी चैनल तहे दिल से स्वागत करता है। होशियार सावधान खबरदार, वो आ रहा है जुर्म की काली दुनिया का हर सनसनी खेज। राज लेकर अब कोई भी राज नहीं रहेगा। राज मुर्दे बोला नहीं करते, अपना मुंह खोला नहीं करते, लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। मुर्दे भी बोलेंगे, अपना मुंह खोलेंगे। हाजिर हूं मैं जुर्म के एक नई कड़ी के साथ, लेकर तहकीकात मैं हूं संजीव शर्मा। अरे रे, ये क्या, आखिर कहां जा रही थी ऊना पुलिस? एक शहर, एक नदी और उस नदी में एक महिला की लाश। आखिर किसने फेंका उस महिला को वहां पर? हत्या किसने की? हत्या की वजह क्या रही होगी? सवाल कई थे, लेकिन अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहती थी। कहीं ना कहीं से तो कड़ी जुड़नी चाहिए। इस सब को यहां फेंका इसलिए गया होगा ताकि कातिलों का पता ना चल पाए, या फिर कातिल सामने आना ही नहीं चाहते थे। सबसे बड़ा सवाल अभी भी एक, कातिल किसने और क्यों किया? इससे पहले आपको कुछ और बताते चले, पहले आप खबर को देख लीजिए। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए तहकीकात ने इन तस्वीरों को धुंध की आड़ में छिपा रखा है। इससे पहले हम आपको कुछ और बताएं, आप पहले इस जगह को देखिए जहां पुलिस पहुंची है। जगह है गगरेट। जी हां, ऊना जिला का गगरेट शहर। इस शहर में सोमभद्रा नदी बहती है। अब इन तस्वीरों को भी देखिए जहां पर ऊना पुलिस पहुंची है। दरअसल पुलिस को इस नदी से एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस की चिंता अब और बढ़ चुकी थी क्योंकि पुलिस को जो खबर मिली थी वो पुख्ता थी। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि नदी किनारे किसी का शव पड़ा है। सबसे पहले पुलिस शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ाती है।
कत्ल किसने किया, क्यों किया, ये सवाल जितना गंभीर था उससे बड़ा सवाल ये, आखिर जिस लड़की की हत्या हुई वो थी तो कौन थी और हत्या की असल वजह थी क्या। स्थानीय प्रधान शिवपुरी ने टेलीफोनिकली थाना सूचित किया था कि ऐसे ऐसे सवां के सवांखट के पास एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी है। जो स्थानीय पुलिस थाना वो हम स्पॉट पर आए तो ये देखा कि इसका जो है गला रेता गया है, गला रेत के इसका जो हत्या करना प्रतीत हो रही है और अभी इसका जो है अभी इसकी शिनाख्त नहीं हुई है। तो इसमें स्थानीय थानों को और जो आस पड़ोस के जो पंजाब और हरियाणा के इमीजिएट यहाँ इनको इन्फॉर्म किया जा रहा है ताकि इसकी जल्दी शिनाख्त हो सके और अभी तक इसकी फिलहाल जो है वो शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो इसकी शिनाख्त प्रयास किए जा रहे हैं और मामला दर्ज पुलिस ने अपने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के पास हत्या के सबूतों के नाम पर कुछ भी नहीं था तो क्या ये समझ लिया जाता कि ये हत्या सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह जाती। फिर कई अनसुलझे कत्लों की फाइल की तरह ये कत्ल भी गुमनामी के अंधेरे में खत्म हो जाता। एक बार फिर पुलिस सबूतों को जुटाने में लग चुकी थी, तभी कागज का एक छोटा सा टुकड़ा पुलिस के हाथ लग जाता है। तो क्या ये कागज का टुकड़ा रहस्य खोल पाएगा कत्ल का? थोड़ी सी ही सही पुलिस को अब उम्मीद लगने लगी थी। तहकीकात में आगे हम आपको बताएंगे आखिर उस कागज का इस कत्ल से क्या था कनेक्शन। तहकीकात के लिए अम से बिंदी ठाकुर के साथ अविनाश विद्रोही की रिपोर्ट। तहकीकात में समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको ये जरूर बताएंगे आखिर अपने जिगर के टुकड़े का कैसे बेरहमी से अपनों नहीं किया था कत्ल। ब्रेक के बाद, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा।